Hi, Mita. Rishabh. Hi. हाय, लेकिन तुम इस तरह यूं। एक मिनट, अब तुम ये शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें देखकर खुश क्यों हो गई। पिछली बार तुम्हें मेरे ताज्जुब पर एतराज था। हाँ, वो तो था। और पिछली बार हमने ये भी तय किया था कि अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, राइट? राइट। तो ये नई शुरुआत अच्छी रही। अब हम खुशी खुशी नए रिश्ते जोड़ते जा रहे हैं, तो इस नई शुरुआत पर मैं 4 चांद 2 चांद लगा लेती हूँ। एक मिनट। थैंक्स एंड थैंक्स अगेन। ये 2 चांद वाला चक्कर क्या है? क्योंकि देखो, तुम्हारी पहली थैंक्स का मतलब तो मैं समझ नहीं पाया, तो फिर ये दूसरी थैंक्स किस लिए? व्हाई? पहला थैंक्स इतने दिनों तक ना मिलने के लिए। मतलब मेरे यहां ना आने से तुम खुश होती हो, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखो ऋषभ, बुरा मत मानना, लेकिन एक ही शहर में रहने के बावजूद इतने दिनों तक हम नहीं मिले, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूं, वरना बड़ा मुश्किल था ऋषभ। दूसरा थैंक्स इतने दिनों के बाद मुझे मिलने आने के लिए। होल्ड ऑन भाई, तुम्हारे दिल में एक ही साथ दो बातें पैदा हो जाती। एक तो आप बहुत खुश हैं मेरे ना आने से, साथ ही साथ आप बहुत खुश हैं मेरे आने से। भाई मेधा जी, आपका दिल हमारी समझ में तो नहीं आता, सब कुछ एकदम ऊपर से। बिल्कुल हमारा दिल तुमसे संभलता तो बात ही क्या थी। जी हाँ, क्यों नहीं, आपका दिल हमसे संभलता तो हम जुदा ही क्यों होते मेधा। और जिंदगी में क्या सरगर्मी आ रही? तो अब सुनो ऋषभ मल्होत्रा के न्यूज डेस्क से लेटेस्ट समाचार। पहला, सुधाकर राव के कत्ल में करण का हाथ। दूसरा, बबली की ट्रीटमेंट कामयाब रही। और अब सुनो आज का मेजर हेडलाइन, मल्होत्रा कंपनी के श्री ऋषभ मल्होत्रा ने मिस मेधा हेगड़े को कंपनी का ऑफिशियल लॉयर अपॉइंट करने का प्रस्ताव किया। अरे कमाल है। हेलो, नो रिएक्शन? मेरा रिएक्शन तो कल के अखबार में छपेगा ना। मजाक छोड़ो मेधा, आई एम रियली सीरियस। तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर रही हो एंड दैट्स फाइनल। ऋषभ, मुझे सोचने का कुछ वक्त? नहीं, सोचने समझने के लिए नो वक्त। भाई मैं तुम्हारा दिल थोड़ी मांग रहा हूँ, बस तुम्हें एक नौकरी दे रहा हूँ। यू आर गोइंग टू ज्वाइन आवर कंपनी एंड दैट्स फाइनल, नो मोर डिस्कशंस। ओके कम ऑन।